तकरीबन 60 साल से बिकती भी आ रही है ये, सिर्फ रमजान रमजान में ही बिकती है ये। जाफरानी बिरयानी होती है, हर कहीं नहीं मिलती है, सादी बिरयानी होती है। इसमें जाफरान डालते हैं आप लोग? बिल्कुल। और इनका जायका यानी बिल्कुल मुख्तलिफ है सबसे, और अगर हलीम डाल दो उसका मजा ही अलग हो जाता है। घर दूर है और टेस्ट जो है केश के बुला लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बिरयानी बेहतरीन है, जाफरानी बिरयानी है, सही है ना? अच्छे गोश्त की है, सबसे पहली बात ये है, ऐसे गोश्त ही चला रहे हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ताबी चौहान। आज मैं कराची की मशहूर हलीम बिरयानी पे मौजूद हूं, जो कि पान मंडी में है, और ये सिर्फ रमज़ानों में ही मिला करती है। इसकी खास बात ये है, तो आज हम आपको एक खा के इसका रिव्यू भी देंगे, बताएंगे कि टेस्ट कैसा है इनका, इनके ऑनर से भी बात करेंगे, और ये कहाँ से चली आ रही है, इसमें क्या क्या डलता है। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आप भी जानते रहे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद मेहताब। मेहताब भाई ये कितना पुराना सेटअप है आपका? तकरीबन 50 साल पुराना। 50 साल पुराना है। और ये रमजानों में ही लगाते हैं आप? जी हाँ, रमजानों में लगाते। 12 महीने नहीं लगाते आप? नहीं, 12 महीने नहीं लगाते। तो ये जाफरानी बिरयानी है? ये जाफरानी बिरयानी है। और इसमें जाफरान वगैरह भी ऐड होती है? जी जाफरान भी डालते हैं इसमें? जी बिल्कुल, जाफरान भी डालते हैं। बीफ में होती है? जी बीफ। और टाइमिंग क्या है आपकी? असर से रात 2 बजे तक। अच्छा, सर रात 2 बजे तक। और लोकेशन भी बता दे कहाँ पर है? यदि डिफरेंट हॉस्पिटल के पास है हम। अच्छा, नानक वाला पान मंडी में। और ऑनलाइन वगैरह भी है आपका? ऑनलाइन नहीं है भाई। और ये प्लेट कितने की है? 200 रुपए की। 200 रुपए की है हलीम के साथ? 200 रुपए की? जी हलीम के साथ 200 रुपए की। और बगैर हलीम के? 180 रुपए के। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ करें। भाई मोहम्मद अल्ताफ हमारा नाम है, हाजी सलाउद्दीन के नाम से बिरयानी बिकती है। अच्छा। तकरीबन 60 साल से बिकती भी आ रही है ये, सिर्फ रमजान रमजान में ही बिकती है। अच्छा, ये क्या खास बात है इस बिरयानी की जो ये रमजान में आप लोग लगाते हैं? ये जाफरानी बिरयानी होती है, हर कहीं नहीं मिलती है, सादी बिरयानी होती है। इसमें जाफरान डालते हैं आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, जाफरान तो बड़ी महंगी है भाई, आप डालते हैं जबरदस्त है। हम रहते हैं जाफरान के बीचों में, जोड़िया बाजार में जितनी जाफरान चाहिए ले लो आके। और ये कितने की प्लेट चला रहे हैं आप? ये 200 रुपए की प्लेट है। ये पार्सल 200 रुपए में दे रहे हैं? जी 200 रुपए का पार्सल है। और हलीम? हलीम 150 रुपए का पार्सल है, प्लेट में 100 रुपए के। अच्छा, बिरयानी और हलीम ले सेम रेट है पार्सल में? नहीं नहीं, अलग अलग है। हलीम 150 का, बिरयानी 200 की है। नहीं, अगर बिरयानी पे हलीम डलवाते जो? हाँ, वो 250 की है। ये बिरयानी पे हलीम डालने का कॉम्बिनेशन ये कहाँ से आया? ये तकरीबन 60 साल पहले हमारे वाली साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, हलीम बिरयानी तो उस पर डालना शुरू किया तो लोग फेमस होता है, चले गए, चलती चली गई। मतलब लोगों ने पसंद किया इसको? पसंद किया इसको लोगों ने। और लोकेशन क्या है ये आपकी? लोकेशन यहाँ पर ये चांद बीबी रोड कहलाता है, नाड़क वाला पान मंडी, नजदीक लेडी डिफेंस हॉस्पिटल है। ठीक है, बिल्कुल चांद बीबी रोड। और टाइमिंग वगैरह क्या है? ये असर की अजान होती है जब लगता है, और तकरीबन 2-2.5 बज जाते हैं इसके अंदर। और डिलीवरी वगैरह का सीन है कोई? ऑनलाइन अगर कोई मंगाना चाहे? नहीं नहीं, ऑनलाइन का चक्कर कुछ भी नहीं है, बस यहीं पर ही है। बाइक के आगे थे तो मंगा सकते हैं यानी? हाँ हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम देखें भाई सादी चावल और रोटी लेके दिखाते हैं आपको, खाते हैं कैसे है। भाई बेहतरीन टेस्ट है, नमकीन बिरयानी है, नमकीन फ्लेवर इसका ज़्यादा आ रहा है ना। अब हलीम के साथ कॉम्बिनेशन चेक करके हलीम के साथ क्या आ रहा है। बाबा रे, तेरी पूरी है, पूरी है तेरी। ये भाई क्या गई? हलीम के साथ ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया भाई इसका टेस्ट, मगर ये अच्छा टेस्ट आ रहा है।
नमकीन ज़्यादा मुझे तो भाई नमकीन ज़्यादा अच्छी लग रही है। राइट में खाला है, बिल्कुल ज़ाफ़रानी है ये, उनके लिए ज़ाफ़रान का टच आ रहा है बस नमकीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कहाँ से आए हैं आप? मैं नुमाई से बदरात कॉलोनी है, वहाँ से। तो ये बिरयानी कैसी है इनकी? यार यकीन करें मैं तकरीबन 8-9 साल से खा रहा हूँ इनकी बिरयानी। कितने साल से? 8-9 साल से। अच्छा। यानी हर साल में लगाते हैं और इनका जायका यानी कि बिल्कुल मुख्तलिफ है सबसे, और अगर हलीम डाल दो तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है। तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? यार डेली तो नहीं आता, यानी कि 10-12 दिन में रमजानों में 2-3 बार तो इसका वो बन जाता है, क्योंकि घर दूर है और टेस्ट जो है खींच के बुला लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यानी कि ऐसी बिरयानी कहीं और नहीं मिलती अभी तक? नहीं, मैंने तो नहीं दिखाई, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आसपास आपको रश का अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने लोग जो है बहुत दूर से। अभी लास्ट टाइम मेरे साथ बंदा आया कहाँ से, नागन चौंगी से। ये बताएं ये जायके में मतलब कैसी होती है, नमकीन होती है, मसालेदार होती है? यार ये होती है थोड़ी नमकीन टाइप की। अच्छा। और ना बकायदा मसाला वगैरह अलग से रखा हुआ होता है, जब उन्हें मसाला डालना है तो अपना मसाला वगैरह कुछ ना अपने वो मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपने खाना होता है बिल्कुल अलग। इन्होंने मसाला भी रखा हुआ है, टीकी का नहीं है, टीकी भी इनके पास अवेलेबल है। इतना वो नहीं है कि यार आपने खा लिया, लाइक अक्सर होते ना मुँह में चलन वगैरह, हलीम डाल के टाइप अलग हो जाता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ कराएं, कहाँ से आए आप लोग? नॉर्थ नाजमाबाद से। तो यहाँ बिरयानी खाने आए आप नॉर्थ नाजमाबाद से? जी जी। तो बिरयानी कैसी होती है इनकी? हमने तो लास्ट टाइम आज से कि 2 साल पहले ये हमने टेस्ट की थी और हमने तो बहुत अच्छा पाया इसको, और ये कोरोना के ज़माने में हम लोगों ने टेस्ट की थी इसको जो, और उस वक्त भी इतने ही रश था जितना अभी नज़र आ रहे हैं आपके। अच्छा ये ज़ाफ़रानी बिरयानी इसका नाम क्यों है, ज़ाफ़रान डलती है इसमें क्या? हाँ कहते तो ये भी टेस्ट भी ऐसे ही है कि ज़ाफ़रानी बिरयानी, और ज़ाफ़रानी बिरयानी। गोश्त वगैरह कैसा होता है इनका? गोश्त जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया था उस ज़माने में तो बकरे का गोश्त होता था। अच्छा। और वाकई बहुत अच्छा गोश्त। अब बीफ चलाते हैं? अब बीफ होता है? अब बीफ होता है। ठीक है। और ये खाने में कैसी है, मतलब जायके में कैसी होती है? बहुत ये रश आप लोगों को बता रहे हैं कि जायके में कैसी होगी। ठीक है। और ये हलीम का जो मिक्स एंड मैच है ये क्या? हाँ हलीम डाल के जो खाते हैं फिर उसका टेस्ट क्या होता है? किसी ये एक नया टेस्ट है हलीम बिरयानी का, पहले ज़माने में लोग तो ऐसे ही खाते थे जो हमने सुना है अपने बड़ों से, ये हलीम जो है वो ज़ाफ़रानी बिरयानी में डाल के खाया जाता था। भाई आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ नॉर्थ कराची से। नॉर्थ कराची से बिरयानी खाने आए आप? जी भाई भाई। अच्छा बिरयानी कैसी होती है इनकी? भाई बिरयानी बेहतरीन है, ज़ाफ़रानी बिरयानी है, सही है ना? अच्छे गोश्त की है, सबसे बड़ी बात ये है ऐसे गोश्त ही चला रहे हैं। और टेस्ट में कैसी है? टेस्ट में ओके, सही ना? बाकी हलीम नॉर्मल है। ठीक है। बाकी जो टेस्ट है ना वो बिरयानी का, बिरयानी ओके है। बिरयानी ओके, यानी कि कहीं और मिलती है बिरयानी? बिरयानी बहुत जगह मिलती है, सच्ची कादरी की भी है और दूसरी बिरयानी वाली है। ये ज़ाफ़रानी भी है? ज़ाफ़रानी बिरयानी नहीं मिलती ना, ज़ाफ़रानी कहीं नहीं मिलती। अभी इतना रश देख रहे हैं? सही, ये सिर्फ रमजान में ही लगाते हैं। हाँ ये रमजान में लगाते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। तो व्यूअर्स हमने आपको बिरयानी खा के बताई इसका टेस्ट कैसा है और लोगों का रिव्यू भी आपके सामने रखा, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।